संस्कृति होती है, उस राष्ट्र के अपने महापुरुष होते हैं जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके वर्तमान पीढ़ी अपनी वर्तमान और नए भविष्य की परिकल्पना को साकार करती है। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संस्कृति के मूल्यों, उनके आदर्शों को एक बार पुनर्स्थापित करने की नई व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए घोर के उदय के रूप में हम सबके सामने, चाहे वह अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वह ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव का कार्यक्रम, चाहे वह उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर देश की स्वाधीनता के उस समर में योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव, या फिर इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले योजना के अंदर प्रदेश के अंदर आगामी 5 वर्ष के अंदर 25 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। ये बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए, चाहे वह औद्योगिक निवेश के माध्यम से हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रेवेन्यू योजना के माध्यम से हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का हो, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, प्राथमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या फिर अन्य विभिन्न माध्यमों के साथ इन भर्तियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का हो। आज के अवसर पर प्रदेश की सुरक्षा के लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के उन जवानों का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर 72 प्रदर्शन करके सुरक्षा का एक वातावरण पैदा किया है, और बहादुर जवानों को जो इस अवसर पर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का 72 वातावरण प्रदान करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वह अपनी सेवा को देते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। और साथ ही साथ इस आज के लिए जिन जवानों ने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर पैदा करके प्रदेश को उसकी परंपरागत छवि से बाहर में अपना योगदान दिया है, उन सब की इस अवसर पर सराहना करता हूं, और बहादुर जवानों के हर संभव सहयोग और उनके सम्मान के लिए प्रदेश सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी, इस बात का आश्वासन भी मैं इस अवसर पर अपने उन बहादुर जवानों को देता हूं। सरकार को कहा कि हमारे पास आवास हमें पहले से मिल चुका था या पहले से हमारे पास आवास है, इस आवास को किसी अन्य गरीब को दे दिया जाए। ये सदैव पूर्ण भाव आयुष्मान भारत के अंदर भी हम सब के अंदर लिखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को केवल शासन के फंड पर ही निर्भर रह करके पूरा करने की बजाय अगर जन सहभागिता हम इसके साथ जोड़ सके, प्रत्येक परिवार जिसके पास संसाधन है, जिनके पास आमदनी है, वे योगदान देकर के शिक्षा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन भागीदारी के माध्यम से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये भाव पैदा हुआ है। इस दौरान प्रदेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना और तमाम अन्य योजनाओं में बहुत अच्छा कार्य किया प्रदेश के अंदर।